मानव चौला सबसे श्रेष्ठ है, देवताओं से भी दिव्य है। स्वर्ग में देवता भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमें मानव शरीर देकर के मृत्युलोक में भेजो ताकि हम आपकी प्राप्ति कर सके। मानव के पास दो अधिकार है, जब चाहे भगवान के पास चला जाए, जैसे आप संत के पास आए हुए, बहुत ऊंची डिग्री है, देवताओं से भी ऊपर का काम है ये, आए हुए आपका अधिकार है, जब चाहे बुला लो, अपने घर पर बुला लो, आ जाते हैं। आते हैं संत बुलाने वाला चाहिए, खाते हैं संत खिलाने वाला चाहिए। मानव चोला मिलने के बाद में अगर किसी को संत के दर्शन हो गए, संत की दया कृपा हो गई, वो खानदान धन्य हो। अगर जे मूर्त ना चाहो करो खिदमत, फकीरों की बला से टाल देती है सदा रोशन जबीरों की, इनकी आवाज मौत को जीवन में बदल देती है सदा। अगर जे मुर्तबा चाहो, तो भाई जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाहते हो, कुछ यज्ञ प्राप्त करना चाहते हो, इनका आशीर्वाद प्राप्त कर देगा। गुरु बिन ज्ञान मिले कोने थे, दुनिया में धक्के खा ले, जगह जगह पे देख मिले से नहीं चचे तो अजमा ले। गुरु कृपा कैसी होती है। मौसी ने किया निरादर, बल के अंदर गए ध्रुव, देव ऋषि मिले रस्ते में, नारद जी लिए मान गुरु, द्वादश मंत्र लगे रटने कर दिया था जाप थ्रू पात्र, महीने की कठिन तपस्या से खुद होगे, खुद शुद्ध होगे, खुद आप उरु देवासुर में मची खलबली, देवताओं में खलबली मची, गुरु का ऐसा आशीर्वाद होता है। तो भैया गुरु जी ज्ञान मिले कोने से, दुनिया में धक्के खाने जगह जगह पे लेख मिले से नहीं, गुरु वचन पे डटके खटके फंद चुरासी के। ये हमारा भारत देश जति शक्तियों का, धर्मात्माओं का, महात्माओं का, ऋषि मुनियों का, अवतारों का देश है। ये अवतार पुरुष है, उस निराकार ने भेजे हुए कल्याण करने के लिए, इनका एक एक रोम दल कल्याण के लिए है। ये हमारी बुराइयां लेते, हमारा कष्ट लेते, हमारा दुख दर्द लेते, हमारी दरिद्रता लेते हैं, खुश रहो आशीर्वाद देते हैं, सब कुछ उठा देते हैं। दाता थारे चरणों की, गुरुदेव थारे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस अपनी, तकदीर बदल जाए, दाता थारे चरणों की। संतों के चरणों में अड़सठ तीर्थ निवास करते हैं, जो इन चरणों में झुक गया अड़सठ तीर्थ ना लिया, मोटी बात से हरियाणा का ज्ञान सही हो। दाता तेरे चरणों की जब भूल जो मिल जाए, सच कहता हूं बस अपनी, तकदीर बदल जाए, आगे रेखाओं में परिवर्तन आ जाता है, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा यही ले सकते हैं, और कहीं मिलता नहीं, हर जगह लिखा हुआ मिलता है, भाग्य से पहले किस्मत से ज्यादा कहीं नहीं मिलता। हम कहते मिलता है, लेने वाला चाहिए, यहां मिलता है। सिगड़ी दूध सोने के पात्र में देती है, बाकी पात्र था देखते ही ये त्रिकालदर्शी होते, आर पार देखता है इनको, अभी रुक जाओ ये बात, इसके मन में क्या जानते हैं,
या कैसे आया है जानते हैं, सब कैसे कैसे आए वो सब जानते हैं, इनको सब पता है। त्रिकालदर्शी सबरी मध्य मुनि के पास गई थी, आओ बेटा सबरी। बाबा आप मुझे कैसे जानते हो? बेटा हम तेरे को पिछले जन्मों से भी जानते हैं, ये मंत्र ले जाओ, वहां झोपड़ी डाल लो, जिनको तुम याद करते हो नंगे पैर दर्शन देने के लिए आएंगे तेरे को। तो भैया इनमें वो पावर है, वो शक्ति है, देखा है, देखा है तेरी रहमत दिन रात बरसती है, अमृत बरसा विनोद में निरंतर होती रहती है, लेने वाला देखता है। देखा है तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, इनकी दया की एक ही बूंद का भी है, एक बूंद जो मिल जाए। तकदीर बदल जाए दाता थारे चरणों नजरों से गिराना ना, वहीं से देख लेते हैं तो दान से चलता है, वहीं से देख लेते हैं उसके कपट होता है या पहुंचता नहीं है, आज पाबंदी वहीं लगा दी। नजरों से गिराना ना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, उसकी ले है संभाल पाए, दाता थारे चरणों में। नजर से बढ़ के ना कोई खंजर, नजर ही सूली की नोक समझो, कोई नई गाड़ी लेके आता है पीछे लिखवाता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह फाड़, वो नया भवन बनवाता है उसके ऊपर भी आंधी धरे है, ले भी भैंस काली हो से उसके भी नजर हो जाए, बहुत मन लगन है गाड़ी ने बोली है इसका तवा रख देती मारा नजर भाई नजर बुढ़े मानुष का हो जा, इस तरह ध्यान लगा रखिए नजर पत्थर ना पाड़ी गिरा, ये भी गारंटी की बात है। एक दफा इनकी नजर का कमाल देखिए, एक बार न्यू जी वर्ग में तो गेट में आया था, बाबा जी उम्र थे मेरे का न्यू देख लिया, मेरे में रोग कट गया था, मेरा में के बढ़िया के नहीं बढ़िया, मन ने भी देख रहा हूँ। इनकी शक्ति काम करती है, मेरे से तो बैठ गया उठा नहीं जाता, उठ गया तो बैठा नहीं जाता। अब मैं बोल रहा हूं वो इनका ही सहारा है। इनकी नजर महापारदर्शी होती है, एक दफा किसी को जी भर के देख ले करोड़ों जन्मों के दूषित कर्म धुल जाते, जैसे सूर्य की किरण अंधेरे को खा जाती है। वे याद कर लो तुम बड़े भाग्यशाली हो, जैसे ऐसे समय संत के सानिध्य में आते हो, उनकी चरणों की नजरों से होकर के निकलते हो, धन्य है। इनकी नजर का तो कमाल अलग ही है, क्योंकि एक नजर एक पल में चार काम करती है। नजर नीची हुई हया बनी, नजर ऊपर उठी दुआ बनी, नजर तिरछी हुई अदा बनी, नजर टेढ़ी हुई तो खजा बनी, बाकी उस खजाने को दल नहीं है इनमें वो ठाक ठाक। नजरों से बिना ना चाहे लाख सदा देना, मुझे तो अपने चरणों का सेवक बना।
सावन की यह बात याद आई। मैं गया था बुढ़ाने में, बाबा जी जा रहे थे, बड़े बाबा जी ताराचंद जी, एक तारा रखते थे भजन सत्संग करते थे, मैंने भी एक भजन सुना दिया। भैया बाबा जी आ रहे थे, वो भजन सुना था वो संसार सागर उड़ो घणो नाक पर दे रहे, नाम की बालक भर ले रहे, वो सुनाया आवेगी तेरे राम नाम की बाड़द भर ले रे मनवाना। मेरी आवाज थी बच्चा था जो सिर पर हाथ फेरा, हमारे वहां दिनों दाया माजी आऊंगा मैं इस गांव में क्या रख, अरे तेरी शादी होगी माँ गुरु जी होगी, अरे नहीं होनी चाहिए थी क्या। जब 1.5 साल का था पिताजी गुजर गए थे गरीबी से जूझते जूझते, अब देख ले 58 साल हो गए थे, वो आशीर्वाद अब पूरा हुआ है आने के बाद में। ये बात सही है, संतों का दिया हुआ आशीर्वाद खाली नहीं जाता। कबीर साहब ने तो 4 युग भी पलट जाने, 4 युग पलट जाए फिर भी काम करेगा, आना तो पड़ा है। बाकी संतों की लगन होगी उस दिन के बाद में, संतों के गा भी कभी कही कभी कही हरिद्वार ऊपर ऊपर। बस एक ही श्लोक था, मेरे को किसी बाबा जी ने कहा था तो एक महात्मा को खुश कर दो और उसके मुंह से निकल जाए वाह, 3 लोक राज्य के सबकी मिराती हो गया। जब से मेरी लगन रहती है कहीं भी मुझे कोई संत मिल जाए और मेरी पूर्ति अब यहाँ हो गई। जोर लगाओ और वे थमीन तक घना जोर लगाई क्या देखा था कि कदम से सकती फिर थमना लगाना चाहिए। 3 लोक आवाज पहुंच गई, शब्द से सृष्टि की रचना हुई है, शब्द से सृष्टि की रचना हुई, इनको पता है इस बात का। सब समाप्त नहीं होता, आपकी आवाज चले गई वहां। दरवाजे बीच
पवन का खंभा, संत पहचान करते हो बराबर। सोहन सोहन ये इनकी पकड़ में आता है भाई, तेरी मारी पकड़ में ये उड़ा कदा होगा। बीच पवन का खंभा आवत जावत कहीं ना देखा देखा बड़ा अचंबा बंगला अज बड़ा जिसमें नारायण गुरुदेव परवेश इसमें गुरुदेव अज बड़ा साधु रटे हमें सीत में साधु रटे हमें बंगला पांच तत्व की ईट बढ़ाई तीन गुणों का नारा पांच तत्व की ईट बढ़ाई तीन गुणन का फिर छत्तीसों की छात लगाई यज्ञ यज्ञ ने हारा बगला अजब अजब बना दुर्वेश नारायण परवेश हेरे नारायण परवेश ये साधु रटे हमेश बंगला अजब बनो। इस बंगले में चौपड़ बिछरी खेले पांच पच्चीस थोड़े गोली खेल इस वाले बूढ़े खेल खेलने पांच पती फिर कोई दबाजी हार गया और कोई गया जुगती बंगला अजब बाबा इस दूध प्या था हमसे इस बंगले में पातर नाचे मनवा तान लगावे इस बंगले में पातर नाचे मनवा तान ओ सुरत निरत के बांग घूंघरू सुरत निरत के बांग जो राग छती सो गावे बंगला यो बंगला अजब बनिया दुर्वेश जिस मनोरम बंगला गाया कह मछंदर सुंदरती गोर जिसने बंगला गाया इस बंगले के गावण आया हो इस बंगले का गावण फिर बबर नहीं आया बंगला अजब बनया गुरुवे इस नारायण राधा स्वामी राधा स्वामी महाराज गुरु जी ना फिर आता उड़े आवाज पुछानी वो सुना वो कौन सा या कोई न परमाने चला गया जवानी आई वह भी चली गई परमानेंट होती तो रुकती ये बुढ़ापा आ गया ये भी परमानेंट नहीं है बाकी इसके अंदर जो अर्जुन को साक्षी लेकर के भगवान ने बताया हे अर्जुन जब अर्जुन ने अपने हथियार फेंक दिए महाराज आप धरती के राज के बारे में कहते तीन लोग का राज दो तो भी लड़ाई नहीं लड़ू और इनको मारूंगा मेरे कुल की नारी दूषित हो जाएगी तो मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा। अब भगवान कहते आत्मा न जियो मेरे आत्मा अमर से थोड़े दिन की खातर दे ही आत्मा का घर है हमारी इस देह में निवास करती निराकार निवास करती निर्भेद निरंजन अलोक अलग पुरुष निरंजन विराजमान जिसकी कृपा से सब कुछ चल रहा है सारे लोग चल रहे हैं तो
ये हमारा बुढ़ापा भी परमानेंट नहीं है, हमारे अंदर अगर हमारा आत्मा अविनाशी विराजमान है वो अमर है, वो मरती नहीं। जगत में कोई ना परमानेंट, और परमानेंट है वो दिखाऊंगा अपना क्या दे पूरे बैठे बैठे सारे नोट कर दियो बे, जाना है कटु सत्य है, जाना है सबको जाना है, हमारे दादा परदादा चले गए हमें भी जाना है, हमारे गुरु है तो यही सूक्ष्म शरीर में सबको दर्शन देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, एक और एक ग्यारह एक और एक ग्यारह मान लो मेरी बात है, बाबा जी का खजाना तो है फिर यो भी तो कि मैं करे से अपना धन इकट्ठा कर थारी मारी खातर करे से हमारे लिए करते, संत का एक एक रोम जन कल्याण के लिए होता है। जगत में कोई न परमा, अरे तेल चमेली आओ के साबुन कहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमा, जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली हजार रुपए का तोड़े का तेल लगाते रहो, चंदन की साबुन से नहाते रहो, ये काली काली जुल्फे दौड़ी हो जाएगी, हिमालय का पर्वत हो जाएगा, हिमालय का पर्वत। आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत कोई ना परमा, कोई ना परमा टेंट, जगत में कोई ना परमा। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, काशी घूमो दिल्ली कैंट, हरिद्वार है मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट, मन में नाम गुरु का रखो, मन में नाम गुरु का रखो, जय भक्ति पहरो पैंट, जगत आपकी वेशभूषा कोई क्यों ना हो, किसी भी देश में हो, ये बोलो राधा स्वामी, स्वामी। यो तो अपना हरियाणा का गुरमुखी से आजा भाई कोई बचे, अमेरिका में भी बोले चाहे हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, छतरी नहीं है, काल सभी को खा जाएगा, लेडिड हो या जेंट, जगत कोई ना परमा, परमानेंट कौन है, जिसने देश के लिए कुछ किया है, समाज के लिए कुछ किया है। ये महापुरुष पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, इनके तो मेड़े भरेंगे, इनके मेड़े भरेंगे, सुभाष चंद्र बोस आजादी के लिए, भगत सिंह अंग्रेज और अंग्रेजनी अगर 10 लाख आ गया भगत सिंह, आ गया भगत सिंह, आ गया भगत सिंह, या खड़ी टट्टी मारे हिंदुस्तान में नहीं थी, भारत ले आए थे, जो पजामा खोलने का टाइम में खोल था, 200 साल की जड़ उखाड़ के एक भगत सिंह की आवाज ने बंबई में भी भगत सिंह, हैदराबाद में भगत सिंह, कलकत्ता में भी, पंजाब में भी जड़ा देखा उड़े भगत सिंह पर, एक भगत सिंह के बेरा ने कहे भगत सिंह बने, जब बाजे थे अंग्रेज जो बाजे होनी, तो भाई साधु संत की
संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। जो काम किसी से नहीं बनता इनका आशीर्वाद बना देता है, जो रोग किसी से नहीं कटते आशीर्वाद बना, जो रोग किसी से नहीं कटे ये जे ठाक ले, और फिर ऊपर से क्या कहते हैं हॉस्पिटल में दिखा ले रोग तो उसे कट लिया उसका। रोग काट दिया पहले कहते हॉस्पिटल में दिखा दो। भाई बात ये है, पर्दा रखते हैं भाई, पर्दा संत से अपने ऊपर नहीं लेते। हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, करना करना सब कर दिया। रोम तावस है जिसका कोई नहीं, उसको पाता हूँ मैं, अनाथों का नाथ बन करके आता हूँ मैं। तो भाई दुखी भी आओगा, बावड़ा भी आओगा, घना शाना भी आओगा, जो भी देखना होगा इसके दौड़ के घना शाना, न्यून देखेगा न्यून देखेगा, भक्ति से कोई मतलब को नहीं, वो देखना होगा भक्ति से मतलब को देखना। तो भाई बात ये है, साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, सच्ची गवर्नमेंट है, धोखाधड़ी नहीं है, हेरा फेरी नहीं है, पूरा रिश्वत को नहीं ली जा सो और ना टूटे से उड़े तू। साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। इस दफ्तर से मत होना अपसेंट जगत में, कोई ना बोल लो इसके पति देव मुझे लेके आए क्या बेटे मेरे भाग करो, ये त्रांत नाश मिल जाने दिखन लग जाओ, तो उसके दिखन का क्या ठिकाना है। साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, जगत में कोई ना पड़ो।